हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल ऑनलाइन अर्निंग में। दोस्तों, ये वीडियो ब्लॉगर सीरीज का तीसरा पार्ट है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ब्लॉग में आप अपने ब्लॉग की सेटिंग अपने मोबाइल से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई के पास लैपटॉप नहीं होता है, जिसकी वजह से वो चाहता तो है ब्लॉगिंग करना पर वो ब्लॉगिंग नहीं कर पाता है। तो इन्हीं सभी दिक्कत को देखते हुए मोबाइल से ब्लॉग बनाने का सीरीज स्टार्ट किया है, जैसे कि आप अपने मोबाइल से ही अपना ब्लॉग क्रिएट कर पाएंगे और उससे ही आप उसमें पोस्ट करेंगे और उसके अपने मोबाइल से ही अपने ब्लॉग की सेटिंग भी कर पाएंगे। तो सारा कुछ आपको मैं मोबाइल से ही बताने वाला हूँ और जो इस मोबाइल से आपका नहीं हो पाएगा उसके लिए आपको कहीं जाके उस लैपटॉप यूज़ करना पड़ेगा, तो थोड़ी सी परेशानी आपको उठानी पड़ सकती है। लेकिन अगर वो चीज़ अगर वो सेटिंग नहीं भी करेंगे आप तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वीडियो जो है कि स्पेशली सेटिंग के ऊपर है, तो इसमें कुछ सेटिंग बताई गई है और जो सेटिंग बच जाएगी वो अगले पार्ट में बताई जाएगी, क्योंकि एक ही पार्ट में पूरी सेटिंग बताने का मतलब कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जिससे आपको भी दिक्कत होगी और मुझे भी दिक्कत होगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होने की वजह से देखने में भी दिक्कत होती है, लोगों को बोरियत हो जाती है। तो वीडियो शॉर्ट ही होता है तो अच्छा होता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आपको चलते हैं, बताते हैं आपको कि किस तरीके से आप अपने ब्लॉग की सेटिंग कर पाएंगे। तो उसके लिए मुझे आपको लेके चलना पड़ेगा अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। तो चलिए अपनी मोबाइल स्क्रीन पे लेके चलते हैं और वहाँ पे आपको दिखाते हैं किस तरीके से आप अपने ब्लॉग की सेटिंग कर पाएंगे। सेटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना होगा अपने मोबाइल में, और उसके बाद ऊपर आपको थ्री डॉट दिख रही होगी, इस थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे मेनू ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, इसमें गूगल में सर्च कर देना है, कुछ भी आप सर्च कर देंगे, जैसे मैं यहाँ पे ब्लॉग ही सर्च कर देता हूँ। ब्लॉग लिख के इसे ब्लॉगर यहाँ पे हम सर्च कर देंगे और उसके बाद इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे पेज को, और यहाँ पे जहाँ ईमेल आईडी लिखी है इस ईमेल आईडी के लोगो पे हम क्लिक करेंगे, जो आपकी ईमेल आईडी है इसका लोगो यहाँ पे शो कर रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो ईमेल आईडी से आपने ब्लॉग बना रखा है उस ईमेल आईडी को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे इसे आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पे कुछ भी लिख के आप सर्च कर देंगे, क्योंकि आपका वो वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। डायरेक्ट blogger.com भी लिख के आप ओपन कर सकते हैं, आपका ओपन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर ईमेल आईडी का लोगो जहाँ पे शो कर रहा है उसके जस्ट बगल में एक ऑप्शन आपको शो कर दे करता हुआ दिख रहा होगा, ये गूगल ऐप्स होते हैं, इसमें आपको गूगल ऐप्स शो करते हैं, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो जितने गूगल ऐप्स हैं ये सब शो करते हैं, तो इसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा ब्लॉगर का, उस पर ही आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद ये आपका ब्लॉगर ओपन हो जाएगा, जो आपने ब्लॉग बना रखा है वो आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ब्लॉग यहाँ पे ओपन हो चुका है और जो भी हमने पोस्ट की है सारी पोस्ट यहाँ पे शो कर रही है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सेटिंग कैसे करते हैं blogger.com में ब्लॉग की सेटिंग आप कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना पेज ओपन कर ले रहे हैं, जिससे मैं आपको दिखा सकूँ इसके बारे में जो भी यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे हम अपना पेज ओपन कर लेंगे, यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे तो जो हमने पोस्ट लिख रखा है वो पोस्ट हमारे सामने ओपन हो जाएगी।
तो ये हमारा मोबाइल में जैसे दिखता है वैसा ओपन हो चुका है। और इसे हम डेस्कटॉप मोड पे कर देते हैं। देखिए ये ऐसा दिख रहा है डेस्कटॉप मोड पे, तो ये हमारी पोस्ट यहाँ पे शो कर रही है। इसे हम होम पेज पे कर देंगे। इसे होम पे यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे और जो भी पोस्ट हमने करी है यहाँ पे ये सारी पोस्ट लाइन से यहाँ पे शो कर रही है। और इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आगे हम बात करते रहेंगे धीरे धीरे, एक ही बार में सारे ऑप्शन की बात कर लेंगे तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। चलिए हम उसी पेज पे चले आएंगे और यहाँ पे साइड में आपको जो मेनू बार है यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा सेटिंग का। इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग ओपन हो जाएगी, बेसिक, पोस्ट कमेंट एंड शेयरिंग, ईमेल, लैंग्वेज एंड परफॉर्मिंग, सर्च परफॉर्मेंस, अदर्स, यूज़र सेटिंग। तो सबसे पहले हम बेसिक सेटिंग करेंगे तो बेसिक पे ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है जब आप सेटिंग पे क्लिक करते हैं। तो आपको अब यहाँ पे नीचे जाना है, थोड़ा सा हम इसे छोटा कर लेंगे तो ये पूरा दिखेगा हमें। यहाँ पे बेसिक से जो सेटिंग होती है वो सारी सेटिंग यहाँ पे शो कर रही है। तो एक एक करके हम इसे ऐसे बड़ा कर लेंगे ताकि आपको दिखने में आसानी हो, ठीक है, आपको दिखे भी और पूरा दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले टाइटल है, जो आपके आप जो आपने अपने ब्लॉग का टाइटल रखा हुआ है ये यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपने ब्लॉग का टाइटल नहीं रखा है तो एडिट पे क्लिक करके आप एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने ब्लॉग का टाइटल लिख देंगे, सेव चेंज पे आप क्लिक कर देंगे, आपका चेंज हो जाएगा। और अगर आपने नहीं अभी तक टाइटल नहीं रखा है तो ये आपका सेव हो जाएगा टाइटल। उसके नीचे ये टाइटल आपका शो करता है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये जो आपका ऑनलाइन वर्क टू होम शो कर रहा है ये हमारे ब्लॉग का टाइटल है, तो ये यहाँ पे शो कर रहा है। और उसके बाद उसी के नीचे एक और ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन का, जैसे कि ब्लॉग के बारे में क्या है, किस टाइप का ब्लॉग है, वो चीज़ हम इसमें लिखते हैं। जैसे हमने इसे यहाँ पे लिख रखा है ऑनलाइन वर्क टू होम ऐप, ऑनलाइन वर्क करके भी इनकम कर सकते हैं, ऐसी तरीके से आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि एडिट पे क्लिक करेंगे, अगर यहाँ पे आपको लिखा नहीं होगा, टाइटल नहीं लिखा होगा, एडिट का ऑप्शन होगा, एडिट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं 500 कैरेक्टर मैक्सिमम आप 500 वर्ड लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 500 वर्ड लिखने मैक्सिमम लिख सकते हैं, कम से कम आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपने ब्लॉग बनाया है उसके हिसाब से यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख देंगे और सेव चेंज पे क्लिक कर देंगे। और जब सेव चेंज पे आप जब क्लिक कर देंगे तो ये डिस्क्रिप्शन जो आपने लिखा हुआ है, ये अपने ब्लॉग का जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ये टाइटल के नीचे शो करेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टाइटल के नीचे यहाँ पे आपका शो कर रहा है, जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ये बिल्कुल सेम वही टाइटल के नीचे शो करता है। अगर इसे हम चाहेंगे तो इसे हाइड भी कर सकते हैं, आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस डिस्क्रिप्शन को कैसे हाइड कर सकते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन लिखने से फ़ायदा होता है कि आपका ब्लॉग सर्च में आने का ज़्यादा चांस बनता है, क्योंकि गूगल जो वहाँ पे सर्चिंग का सिस्टम होता है, SEO जो होता है, तो उसमें जब लोग सर्च करते हैं तो कोई ना कोई वर्ड मिल जाता है जिसकी वजह से गूगल भी पहचान पाता है कि जो बंदा सर्च कर रहा है वो सर्च क्या करना चाहता है और जो आपका ब्लॉग है वो किस बारे में है, तो एक दूसरे से मैच करा के वो आपका सर्चिंग में आने का ज़्यादा चांस होता है। उसके नीचे आपका ऑप्शन है प्राइवेसी, प्राइवेसी में विजिबल टू सर्च इंजन, एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको क्या कर देना है, यस पे क्लिक कर देना है, यानी कि जो आपका ब्लॉग है वो सबको दिखे, लेट सर्च इंजन फाइंड योर ब्लॉग, सर्च इंजन में आपका ब्लॉग जाए और लोग सर्च करें तो उसमें आपका ब्लॉग भी शो करें। तो सेव चेंज पे क्लिक कर देंगे, यस पे टिक लगा के, ठीक है, यहाँ पे यस कर देना है आपको। और उसके नीचे है ब्लॉग एड्रेस, यानी कि आपने जो ब्लॉग बनाया है उसका एड्रेस क्या है।
जैसे कि मेरा है ऑनलाइन वर्क टू होम डॉट ब्लॉग पोस्ट डॉट कॉम, इसे आप यहां से चेंज भी कर सकते हैं। इसके नीचे का डॉट ब्लॉग पोस्ट डॉट कॉम के पहले का आप इसे चेंज कर सकते हैं। चेंज करेंगे तो जो अवेलेबल होगा वही आप यहां पे रख पाएंगे नाम, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। वैसे आप बनाते समय ही उसको डिसाइड कर लीजिएगा कि क्या आपको ब्लॉग का नेम रखना है। अगर आप इसे बाद में भी चेंज करना चाहें तो यहां से सेटिंग में आके पब्लिशिंग में आके ब्लॉग एड्रेस पे जाके आप यहां से इसे चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए क्या करना होगा, एडिट पे क्लिक करना होगा। एडिट पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं डॉट ब्लॉग पोस्ट डॉट कॉम से पहले का ये जितना लिखा हुआ है ये बॉक्स में, इसे आप इसे चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद सेव पे क्लिक कर देंगे, आपका ब्लॉग यहाँ पे वो ब्लॉग एड्रेस चेंज हो जाएगा। इसे आप चाहें तो इसे डोमेन बाय भी कर सकते हैं। आपका जो ब्लॉग एड्रेस है वो डॉट कॉम के रूप में या डॉट इन या जो भी आप लेना चाहें सर्च आप अपना डोमेन खरीद सकते हैं और ये आपका पेबल हो जाएगा। अभी फ़िलहाल में ये आपका फ्री है, फ्री होने की वजह से यहाँ बीच में डॉट ब्लॉग पोस्ट आ रहा है। अगर आप पेड कर लेंगे, अगर आप ख़रीद लेंगे यहाँ पे डॉट कॉम या डॉट इन डोमेन बाय कर लेंगे तो ये आपका ब्लॉग पोस्ट हट जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है HTTPS, इसे आप यस कर देंगे। जैसे यहाँ पे जो भी आपका होगा तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके नीचे परमिशंस हैं ब्लॉग ऑथर की। अगर आप चाहें अभी फ़िलहाल में सिर्फ आप ही की ईमेल आईडी ऑनलाइन वर्क एट होम एडमिन ये आप ही होंगे, आप इसे चाहें तो एड ऑथर ये इसमें और लोगों को एडमिन बना सकते हैं। लेकिन आप एडमिन उन्हीं लोगों को बनाइएगा जिन पे आपको भरोसा होगा, क्योंकि आप जिसको भी एडमिन बनाएंगे फिर जो आप यहाँ पे कर पा रहे हैं वो भी वो चीज़ यहाँ पे कर पाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा और उसी हिसाब से किसी को आप यहाँ पे एडमिन बनाइएगा। एडमिन बनाने के लिए ऐड ऑथर पे आपको क्लिक करना होता है और यहाँ पे उसकी डिटेल फिल करके, ये नीचे चला गया, वहाँ यहाँ पे ऐड ऑथर में आपको यहाँ पे यही डिटेल ईमेल आईडी उसकी फिल कर देंगे। फिल करने के बाद से इनवाइट ऑथर पे क्लिक कर देंगे और वो उसके बाद वो वहाँ से एक्सेप्ट कर लेगा तो आपका यहाँ पे एक और एडमिन यहाँ पे हो जाएगा। तो इसे हम कैंसिल कर देते हैं, फ़िलहाल में हमें कोई और किसी और को इसमें ऐड नहीं करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये आपकी बेसिक सेटिंग हो गई। अब आपको पोस्ट कमेंट एंड शेयरिंग से रिलेटेड सेटिंग करनी है। तो यहाँ पे बेसिक के जस्ट नीचे ही ये ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पे वो सारे ऑप्शन यहाँ पे आपके ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट से रिलेटेड हैं जो आपके होम पेज पे पोस्ट शो करेगी। शो एट मोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, शो एट मोस्ट लिखा हुआ है, यानी कि आपके होम पेज पे जो पोस्ट शो करेगी वो कितनी पोस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो हमारे होम पेज पे 7 पोस्ट शो करेगी। तो आप इसे 13-14 चाहे जितना चाहे उतना इसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा अगर ज़्यादा यहाँ पे पोस्ट अगर होम पेज पे अगर आप शो करते हैं तो आपका ब्लॉग ओपन होने में लोड ज़्यादा लेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, लोडिंग होगा और टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए आप 5-6-7 के अंदर में ही यहाँ पर रखिए और यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेज और पोस्ट आएगा, तो आप इसे पोस्ट पे ही रहने देंगे, ठीक है। इसके नीचे एक और ऑप्शन है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, शो पोस्ट। यहाँ पे आप अपने ब्लॉग पे चले जाएंगे और यहाँ पे 7 ही पोस्ट यहाँ पे हमारे होम पेज पे शो कर रही है, देख सकते हैं,
सात पोस्ट शो कर रही है, वहाँ पे जितना आप करेंगे उतना पोस्ट यहाँ पे आपकी शो करेगी, ठीक है। उसके नीचे आपका है ऐड टेम्पलेट्स, ऐड टेम्पलेट्स पे क्लिक कर देंगे इस पर, और यहाँ पे मान लीजिए कुछ आप ऐड टेम्पलेट्स में कुछ लिख देते हैं, तो जब भी कोई पोस्ट आप लिखेंगे, कभी भी कोई पोस्ट लिखेंगे, तो वहाँ पे सबसे पहले आपका यही चीज़ शो करेगा जो यहाँ पे आप ऐड टेम्पलेट्स में आपने लिख रखा है। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑनलाइन ऑनलाइन अर्निंग और लिख के, और यहाँ पे हम ऑनलाइन वर्क लिख के और इसे हम सेव कर देंगे। सेव करने के लिए क्या करना होगा, ऊपर एक आपको ऑप्शन दिखेगा सेव सेटिंग, इस पर क्लिक कर देंगे, आपने जो भी सेटिंग चेंज की है वो सारी सेटिंग सेव हो जाएंगी। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे ये शो करेगा। जैसे कि आप पोस्ट पे क्लिक करेंगे और न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे, और जब आप नई पोस्ट लिखने जाएंगे तो वहाँ पे आपका शो करेगा, लोडिंग ले रहा है अभी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो यही आपका शो कर जाएगा, ऑनलाइन अर्निंग हमने लिखा था, ऑनलाइन अर्निंग यहाँ पे शो कर दिया है, ठीक है। अब इसे हम बैक कर देंगे और वहीं पे चले जाएंगे सेटिंग में, और पोस्ट एंड कमेंट्स पे सेलेक्ट है, ठीक है, और इसे हम यहाँ से रिमूव कर देंगे क्योंकि इसे हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके नीचे है शोकेस इमेज विथ लेक्स लाइट बॉक्स, तो इसे हमें क्या करना है, इस पर टिक करेंगे, इसमें यस और नो का ऑप्शन है, इसे आप यस पे ही क्लिक कर देंगे, यस पे टिक रहने देंगे। जब आप इमेज पे क्लिक करेंगे तो वो बड़ी सी इमेज आपकी ओपन हो जाएगी, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम चले जाएंगे पोस्ट में, वो ब्लॉग पे अपने, और कोई भी पोस्ट यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं, और जैसे इस इमेज पे क्लिक करेंगे आप तो ये इमेज इस तरीके से बड़ी से दिखेगी, और भी इमेज जो होगी स्लाइड करेंगे तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से ये शो करेगी, ठीक है। तो इस पे यस पे ही आपको टिक रहने देना है। और उसके बाद कमेंट लोकेशन है, तो कमेंट लोकेशन में एम्बेडेड लिखा हुआ है, तो इसे एम्बेडेड पे ही रहने देना है। और उसके नीचे फुल पेज लिखा हुआ है, फुल पेज में मतलब कर देंगे तो पूरे पेज में आपका कमेंट ही शो करने लगेगा। पॉपअप विंडो कर देंगे तो कमेंट जैसे ही करेंगे तो वो अगला विंडो ओपन हो जाएगा, और हाइड कर देंगे तो ये आपका कमेंट नहीं दिखेगा। तो एम्बेडेड पे कर देंगे तो छोटे से में आपका कमेंट दिखेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखेगा आपका एम्बेडेड में। यहाँ पे आप चले जाएंगे पोस्ट में, और यहाँ पे हम पोस्ट ओपन कर लेंगे कोई, और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ छोटे से में ये कमेंट आपका शो कर रहा है, यहाँ पे छोटे से में कमेंट शो कर रहा है, तो इस तरीके से ही शो करेगा। अगर आप इसे फुल स्क्रीन कर देंगे तो पूरी स्क्रीन में कमेंट ही शो करने लगेगा, तो इसी तरह एम्बेडेड पे ही आपको क्लिक रहने देना है, ठीक है। उसके बाद फिर से आप चले जाएंगे वहीं पे, और मैं आपको दिखाता हूँ, उसके नीचे आपका है हु कैन कमेंट। अब यहाँ पे है कौन कौन कमेंट कर सकता है, यहाँ पे एनी वन यूज़र कोई भी कमेंट कर सकता है, इस पर हमारा ठीक है। यूज़र विथ गूगल अकाउंट, जिसके पास गूगल अकाउंट है वही कमेंट कर पाएगा अगर इस पर आप टिक कर देंगे। ओनली मेंबर ऑफ योर ब्लॉग, हमारे ब्लॉग पे जो हमारे ब्लॉग को जिन लोगों ने फॉलो कर रखा है सिर्फ वही कमेंट कर पाएंगे। तो आप चाहे तो एनी वन पे कर सकते हैं, और यूज़र विथ गूगल अकाउंट पे भी कर सकते हैं, तो हमने एनी वन पे कर रखा है, आप चाहे तो यूज़र विथ गूगल अकाउंट पे भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे है कमेंट मॉडरेशन, तो यहाँ पे आपको ऑलवेज सम टाइम और नेवर, यानी कि कमेंट कब कब कमेंट
तो यहाँ पे हम ऑलवेज पे ही टिक रहने देंगे और ईमेल मेमोरेंडम रिक्वेस्ट टू ईमेल 14 दिन एक्सेप्ट ईमेल एड्रेस एडेड टू फाइनल विल बी इनवाइट यू। तो यहाँ पे आपको ऑलवेज पे ही टिक रहने देना है और इसके नीचे आपका शो वर्ड वेरिफिकेशन यहाँ पे भी आपको यस पे टिक रहने देना है। दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, यस नो, यस पे ही आप टिक रहने देंगे। ठीक है, कमेंट फॉर मैसेज इसे आप ऐड कर सकते हैं। कमेंट फॉर मैसेज यानी कमेंट बॉक्स जहाँ है उसके ऊपर ही ये मैसेज शो करेगा। अगर इसे इस मैसेज को ऐड कर देंगे तो ये मैसेज आपको शो करेगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पे हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। रिप्लाई दिस कमेंट। रिप्लाई दिस कमेंट यहाँ पे हम ये चीज़ लिख देते हैं और इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के लिए हमें चलना पड़ेगा ऊपर और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा सेव, सेव सेटिंग। सेव सेटिंग पे आप क्लिक कर देंगे, ये आपका सेव हो जाएगा। यहाँ पे हम अपने ब्लॉग पे जाएंगे और यहाँ पे इसे एक बार हम रिफ़्रेश कर देंगे क्योंकि ये पहले वाला पेज ओपन है। रिफ़्रेश होने के बाद ये आपका शो करेगा, ये रिप्लाई दिस कमेंट यहाँ पे शो कर रहा है। तो कोई भी कमेंट करने से पहले जो आपने मैसेज लिखा है वो पढ़ सकता है। यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं, मेरे पेज को फॉलो करिए, मेरे ब्लॉग को फॉलो करिए, ऐसा भी कुछ भी चाहे आप मैसेज लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर यही फ़ायदा होता है कि वो कमेंट करने से पहले आपके मैसेज को भी पढ़ लेता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये सेटिंग भी ये आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इसमें सेटिंग इतनी ही थी। अब यहाँ पे और अगले सेटिंग की बात करते हैं। तो अगली सेटिंग है हमारी मेल की। तो मेल में आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्टिंग यूजिंग मेल। तो यहाँ पे सीक्रेट कोड वर्ड भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो इसे हम छोड़ देते हैं, इसे रहने देते हैं, ये अभी मत लिखिएगा। और इसे इसके बाद यहाँ पे हम डिसेबल ही इसे रहने देंगे। और यहाँ पे कमेंट नोटिफिकेशन मेल जो इसे भी कुछ नहीं करना। यहाँ पे दो ऑप्शन और हैं, कमेंट नोटिफिकेशन मेल, यहाँ पे मेल ऐड कर सकते हैं जिस पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और मेल पोस्ट टू, तो यहाँ पे भी आप मेल ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ खास ऑप्शन इसमें नहीं है। तो इस ये मैं ईमेल वाले ऑप्शन में आपको कुछ खास नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिएगा, इन दोनों ऑप्शन के बारे में हम बता देंगे। क्योंकि अभी मोबाइल पे ये रन नहीं कर रहा है तो इसे आप चाहें तो लैपटॉप पे कहीं जाके इसे ऐड कर सकते हैं। अभी हमने कोशिश की पर ये यहाँ पे रन नहीं कर रहा है। तो आपको मोबाइल से ही जानना है। तो इसको नहीं भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो आगे की वीडियो में हम आगे की जो सेटिंग है उसके बारे में बात करेंगे। लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग, सर्च परफॉर्मेंस, अदर्स यूज़र सेटिंग। तो आगे आने वाली वीडियो में इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये ब्लॉग सीरीज का तीसरा पार्ट रहा। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो भी आपको समझ में नहीं आया है उसके बारे में लिखिएगा, उसको अलग से हम आगे की वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। तो आपको मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ब्लॉग सीरीज मोबाइल ब्लॉग सीरीज पार्ट 3। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।